आयशा अबरेश खान भाई। ले भाई का मुंह ईटा हो गया। आयशा तुम ब्लॉग देख रहे हो तो देख लो, अमन ने गिफ्ट दिया हमसे भी छुपा है। कितनी लड़कियों का दिल तोड़ो तुमने, शर्म आ रही है क्या? चल आमिन सुमामिन, मैं दुआ करूंगा। फाइनली तुम लोग का मुंह मीठा हो गया है ये। और वी आर होपिंग एंड वेलकम टू आर क्लब। तो गाइस मैं हूं अभिषेक और हम हैं फोकस। तो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, और गाइस खुशी दिख रही है गाइस, मुंह मीठा हो गया गाइस। आई कैमरा पकड़, हाथ दुखने लगा मेरा। तो गाइस हाँ, बहुत ही ज्यादा गाइस बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मेरा मुंह मीठा, मुंह मीठा होने के बाद कैसा लग रहा है? तो मेरे को ना मुंह मीठे के टाइम पे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि क्या होगा, सब अच्छे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया। किसी को मतलब ऐसा लगता है ना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, तो वैसा अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबको बहुत अच्छा लगा। दोनों मुंह मीठे की वीडियो आप लोगों ने देख लिए रहोगे। मैं वो उन लोग के घर पे तो मेरे को जाना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चले गया तो मेरे को भी देखने का था ना मेरी भाई। तो गाइस ऐसे ही चलेगा, अभी मेरा मुंह मीठा होगा तो भाई का मुंह मीठा, और निका होएगा तो भाई का निका, फिर वाली माँ भाई का वाली माँ। तो गाइस आप लोगों को वैसे तो अभी आप लोगों से हम लोग ना बहुत सारी चीज शेयर करेंगे, जैसे कि अभी निकाह की डेट फिक्स हो गई, लेकिन वलीमे की डेट फिक्स होना बाकी है। तो वो वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिए रहोगे कि निकाह की डेट फिक्स हो गई है, तो वलीमे की अभी बाकी है। तो बस थोड़ा और सबर करो आप लोगों को। वैसे हम लोग बहुत बड़ा एक बिग अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं मेरी शादी से रिलेटेड, वो आप लोगों को जल्दी बताएंगे। हाँ बहुत जल्दी। तो बस अभी सब दोस्त लोग का घर वाले लोग का रिएक्शन लेते। वैसे अमन आ गया है, आप लोगों ने देख लिए रहोगे हमारे दूसरे चैनल के ब्लॉग में कि अमन को निशान लेने गया था। तो वहां बहुत ज्यादा मतलब एकदम सुबह सुबह उठ के मैं बोला कि नहीं जा सकता हूं, मैं सुबह सोऊंगा तो भी मेरा पूरा दिन खराब हो जाए। तो निशान सुबह सुबह जाके अमन और भाभी को लेकर आया है। तो उदापी भी आ गई है। तो उदापी देखो कैसा फील हो रहा है, तेरी भाभी आ रही है। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। अभी तक मतलब किसी चीज की फिक्र भी नहीं रहेगी, भाभी रहेगी। तो गाइज अभी ना अमन लोग का भी रिएक्शन लेते हैं। वैसे अमन ने ना हम मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है। वैसे आपको पता चल गया मेरी होने वाली वाइफ का नाम है आयशा, तो वो आयशा अबरेश खान भाई। क्या लगेगा गाइज, मतलब मेरा मैं किसी के मिडल नेम में जा रहा हूँ। A+A=A2। तो वो पहली मेरी बीवी है, दूसरी मेरी बेटी। लोग बोल रहे नहीं, मैं नहीं मैं बोलूंगा। तो मेरा पहली बार किसी मतलब मेरा पहली बार नाम किसी मिडल नेम में आ रहा है। तो गाइज वो पहला मेरी बीवी आयशा अबरेश खान होने वाली है, दूसरा इंशाल्लाह मेरी बेटी या बेटा होएगा, तो जब होएगा मेरा मिडल नेम। ले मजा आई भाई का मुंह मीठा, भाई का मुंह मीठा। ये मुस्कुराहट से मजे ले रहा है लेट के। तो गाइज बस चलते हैं, अमन ने क्या गिफ्ट लाया वो आप लोगों को दिखाते हैं, फिर उसके बाद सबका रिएक्शन दिखाते हैं। सब दोस्त लोगों के पास ना टाइम नहीं था एक साथ जमा होने के लिए, सब अलग अलग जगह अपने कामों में बिजी है, तो सबने रिएक्शन अपना भेजे है, भेज दिया हम लोगों। तो हम लोग आप लोगों को एक एक करके दिखाते हैं। ये भी नहीं पता गाइस सस्पेंस। तो गाइस कुछ चीजें ना सस्पेंस रहना चाहिए, और मतलब बहुत लोगों की नजर भी लग जाती, तो मैंने सोचा कि एकदम से आप लोगों को सब हो जाएगा तो तब दिखाता हूं। तो आप लोगों को भी खुशी होगी, मेरे को भी खुशी होगी। आप लोग ने बोले सेम माशाल्लाह इन कमेंट। यस यस बिल्कुल बिल्कुल सेम माशाल्लाह। अल्लाह मुबारक, अल्लाह मुबारक। तो चले अभी दिखाते हैं गिफ्ट अमन ने क्या लेकर आया। चलो मनी नीचे आ गया, मुझसे जाप के लिए अमन ने कुछ लेकर आया है। अरे मुझसे इतरा रहा है अभी, वो इतरा रहा है। देख उसकी शक्ल भी नहीं दिखा रहा, उसकी शक्ल पे देख कितना एटीट्यूड आ गया उसकी चॉकलेट देखकर उसको। हाँ सब पकड़ ले एक साथ। अमन तूने मेरे लिए और आयशा के लिए क्या लेकर आया वो तो दिखा।
चल 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 अभी दिखा चल। हाँ तो गाइज अमन निकालने जा रहा है, अमन ने ना बहुत सारी चीज लाया और यूनिक यूनिक चीज, हम लोगों को तो बहुत मजा आ रही है। अमन कर रहा है अमन के साथ वापिस चले जाओ, अमन जा रहे तू वापिस तो अभी सही में मेरा आने का मन नहीं कर रहा है। मैं वहाँ से कार में बैठना तो पीछे ऐसा देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ क्लॉक टावर को, ऐसा का ये ऐसा ऐसा कार में बैठ गया तो वही देख रहा हूँ। दिखा क्या लिख रहा है, क्या है इसके अंदर, निकालू ये क्या है। अच्छा परफ्यूम भी है, दोनों है, दोनों के लिए इस पे नाम लिखा हुआ है। चलो गाइस खोलने जा रहा हूँ, अरबी में लिखा है। ओहो माशाल्लाह गाइस, कमेंट करके बताओ नाम क्या लिखा हुआ है इस पे। गाइस आप लोगों को नाम दिख रहा है, भाभी दिख रहा है इसमें, तो गाइस भाभी कैमरामैन बने हुए। तुम्हारी तरफ से भी थैंक यू बोल दिया अमन को, थैंक यू अमन भाभी को भी। और ये क्या है, क्या 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 है इसमें भाभी, क्या सूर्य है, सूर्य तस्वीर और ओहो, तो भाभी इसको रखेंगे कैसे इसमें, क्या है मीठा नहीं खाते। चल मजा आ गई, ये चाहिए एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है चाहिए तो दूसरा अच्छा ऑप्शन है क्या नहीं, ये बड़ी बोतल है और काली है तो ज्यादा अच्छा है। गाइस काले वाले जो भी डब्बे हैं परफ्यूम के वो बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छा नहीं रहे लेकिन अच्छा ही है। चलो निकलते हैं, अभी आप लोगों को रिएक्शन दिखाते हैं। अबे अमन तूने मेरे को मुबारक नहीं दिया, मुंह मीठा हो गया वो सब चीज का, सबके सामने हाँ, मतलब सबके सामने था रहा वीडियो में था लेकिन वो नहीं बोलो, लेकिन अभी तू वापस मुबारकबाद दे, मुबारक हो, मुबारक लाइव 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 ले, तू भी मेरी कैटेगरी में आ गया। गाइस सिंगल लोग को हटा दूं क्या, गाइस आप लोग बोलो सिंगल लोग को दूर करूं क्या, वहां बैठ जा निशान। चल कोई बात नहीं, अपन दोनों मिलके निशान के लिए दुआ, चलो चलते नीचे। ले भाई का मुंह मीठा हो गया, बहुत ही मजा आने वाली है, आप लोगों से हम लोग डेट शेयर करने वाले हैं जल्द ही हर चीज की। तो अमन तेरा क्या बोलना है, मुंह मीठा एक और मतलब तो पता ही था। नहीं नहीं एक और जन मतलब शादी करने जा रहा है, हाँ कलाल, हाँ कलाल, हाँ कलाल, हाँ कलाल, हाँ कलाल। बात है होना ही था, एक एक करके सबकी शादी तो देखते हैं अब तेरी बात किसकी होती है। हाँ किसकी तो, होती है हाँ, तेरे और शोएब के बीच में से अभी भी बाकी है ना बताना, तो वो तो बताना बाकी है ना। हाँ मेरे और शोएब, हाँ तो वो सबको पता है, तो अभी फैसला हो गया, अभी हो गया, दिशान की अभी शादी नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया है। तो मेरे को मेरी है अभी, तो फिर अभी अपन पहले मेरा एंजॉय करें, दिशान की जब जब दिशान का एंजॉय करेंगे है ना। तो क्या भाई की शादी है, तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, सब दोस्त लोग के रिएक्शन दिखा देता आप लोगों लोग का क्या रिएक्शन था ये पता चलने के बाद कि मेरा मुंह मीठा हो गया। चलो देखो। सो गाइस मुझे अभी पता चला है कि अबरेश का मुंह मीठा हो गया है। अरे बाप रे बाप, भाई तुमने तो क्या शौक दे दिए यार, मतलब तुमको पहले से बताने हुआ नहीं, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या, तुमने हमसे भी छुपा है, कितनी लड़कियों का दिल तोड़ो तुमने, शर्म आ रही है क्या तुमको। बट भाई बहुत ज्यादा खुशी हुई दिल से कि आपका मुंह मीठा हो गया, आप भी उस लाइन में आ चुके हो जिस लाइन में हम चल रहे हैं, तो आइए फरमाइए, घूमेंगे फिरेंगे साथ में और अपनी बातें सुनेंगे लड़कियों की और क्या। भाई मुंह मीठा हुआ है, शादी नहीं हुई है, मुंह मीठा अभी तुम्हारे मुंह मीठे में तो हम लोग को तुम लोग ने भी नहीं बुलाए थे, हाँ अकेले अकेले तुम लोग ने भी गए थे शादी की, हाँ चली थी सीधा, हाँ तुम लोग बोले सीधा शादी का बताए थे कि शादी फिक्स हो गई, हम लोग बोले चलो अच्छा है, हम लोग ने ये नहीं बोले कि भाई तुमने नहीं बताए थे, लेकिन ठीक है माफ किया भाई, शादी होने वाली ना क्या करेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन सबको तो तुम्हारी कैटेगरी में आना ही है, सबकी शादी होना है, सबकी शादी होना और सबको सुनना है गाइस, भाई बीवी की बात नहीं सुनेंगे तो खुश कैसे रहेंगे, ये मुंह छुपाने जैसा कुछ नहीं, जो भी है फेस पे सुनेंगे जोरू का गुलाम। हाँ बहुत बहुत मुबारक आपको, आमीन सुमामीन, मैं दुआ करूंगा आपके लिए और बहुत बहुत मुबारक, मुझे भरोसा नहीं हुआ पहले तो, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम प्रैंक कर रहे हो, मैं भी दुआ करूंगा, मिलते थोड़ी देर में। भाई दुआ तो करो, दुआ की बहुत जरूरत है, सबके लिए करो, सबको जरूरत है, हम लोग भी दुआ करेंगे तुम्हारा भी ये दिन जल्दी आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो बस और क्या बोलेंगे भाई, हम लोग को भी भरोसा नहीं हुआ, मेरे को खुद भरोसा नहीं हो रहा था ये सब जब हो रहा था। मेरे को तो कितने लोग ने मिलके भी बोले, बोले भाई आप तुमको जरूरत है शादी करने की, अभी उन लोगों को कैसे बताओ कि मेरी ही शादी है। ठीक है चलो नहीं देखते अभी मिसबा ने क्या बोली है। तो गाइज एक फोकट मेंबर की शादी रिवील हो चुकी है और बहुत बहुत मुबारक हो अब्रेश अपनी शादी के लिए और न्यू जर्नी के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस और वी आर होपिंग एंड वेलकम टू आर क्लब। और मेरे मम्मा भी कुछ कहना चाहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन अब्रेश की बहुत ज्यादा खुशी, अभी मुझे पता चला कि आपकी शादी है तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मुझे ये भी बहुत मजा आ रहा है कि अब हम मिलेंगे तो कपल्स के साथ मिलेंगे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो यस मुंह मीठा हुआ है भाई, शादी होने के बाद के लिए और मुलाकात भी करवाऊंगा जल्दी, ये सबसे मिलाएंगे बहुत मजा आएगी, तो मिलेंगे घूमे फिरेंगे। तो अभी आरती ने क्या बोली, आरती का सुनते। कॉन्ग्रेचुलेशन अब्रेश एंड आयशा, फाइनली तुम लोग का मुंह मीठा हो गया है ये। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब्रेश और आयशा की शादी होने वाली है एंड उनका मुंह मीठा हो गया है गाइस, जैसे कि आपने देखा। तो मेरे तरफ से मैं बस यही बोलूँगी कि मैं बस यही प्रे करूँगी कि हमेशा तुम लोग ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो और एक दूसरे का साथ देते रहो। सो आई लव यू बोथ, आप लोग की जोड़ी को ज़रा भी किसी की नज़र ना लगे। बाय। आरती तो ऐसा बात करती जैसे आयशा को वो ना बचपन से पहचानती है, लेकिन आरती में ये चीज भाभी आयशा आयशा क्या बोल रहा हूँ ये चीज। हाँ अच्छा ध्यान दिलाया तूने, मैं वो चीज पे ध्यान देने की दूसरी चीज पे ये है, लेकिन आरती ये चीज अच्छी है कि वो जल्दी हर किसी से घुल मिल जाती है, जो घर वाले से जैसे मिल गई थी वैसे इंशाल्लाह देखो आयशा से भी वैसी घुल मिल जाएगी मेरी वाइफ और सबकी भाभी। तो गाइज बस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं बरकत, इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। ब्लॉग शेयर करो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।